संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक। संत लूकास के अनुसार प्राप्त सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थाली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करोगे सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो वह उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु की वाणी है। हम कुछ शब्दों का चुनाव करें और उन पर मनन ध्यान करें। चुनाव करने के बाद दो या तीन जन जिसे हम चुनेंगे, मौका देंगे, तीन बार तक प्रार्थनामय भाव से पढ़ें और इस बीच मौन का पूरा ख्याल रखें। ईश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ गया है। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इस घर को शांति। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। चौथा कदम। अब हम कुछ मिनटों के लिए मौन रहें और ईश्वर को हमारे साथ बातचीत करने दें। कुछ समय के लिए हम मौन रहें, ईश्वर को हमसे बातचीत करने दें। चुने गए शब्दों द्वारा वह हमें छू लें और हमें अपना सुसमाचार सुनाएं।